नमस्कार, मैं निखत बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। जन्म के बाद कुछ बच्चों की नाभि दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा उभरी हुई होती है या बड़ी दिखती है। कुछ केसेस में यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। उभरी और बड़ी नाभि को ही नाभि में सूजन की शिकायत कहते हैं। यह एक आम दिक्कत हो सकती है। हालांकि अम्बिलिकल हर्निया की वजह से भी बच्चों की नाभि में सूजन की परेशानी देखी गई है। यह समस्या सामान्य से गंभीर भी हो सकती है। आमतौर पर बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया की समस्या देखी गई है, लेकिन कुछ सिचुएशन में बड़ों में भी यह समस्या हो सकती है। अधिकतर मामलों में 2 वर्ष से पहले के बच्चों में इस तरह की परेशानी देखी गई है। यह सामान्य खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ स्थिति में 5 वर्ष तक भी यह स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बड़ों में इस तरह की स्थिति देखने पर नाभि की सर्जरी करके इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। आइए जानते हैं नाभि में सूजन किन कारणों की वजह से होती है और इसकी क्या गंभीरता हो सकती है। नाभि में सूजन के लक्षण। अगर नाभि के आसपास सूजन और उभार जैसा दिखता है तो बच्चों के रोने पर, खांसने या फिर शरीर में किसी तरह के खिंचाव के दौरान यह उभार दिखता है। बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया आमतौर पर दर्द रहित होता है। बड़ों की नाभि में सूजन आमतौर पर पेट की परेशानियों के कारण दिखती है। डॉक्टर को कब दिखाने की है जरूरत। अगर आपको नाभि के आसपास सूजन और उभार महसूस होता है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा कुछ स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो सकती है, जैसे नाभि में सूजन के साथ दर्द होना, बच्चों को नाभि में सूजन और उल्टी होना, हर्निया की जगह पर कोमलता और सूजन दिखाई देना। बच्चों के अलावा अगर बड़ों में भी इस तरह की परेशानी दिख रही है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। यदि नाभि में उभार दर्दनाक और या कोमल हो जाए, यह एक इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी हो सकता है। नाभि में सूजन के जोखिम। नाभि में सूजन बच्चों में होने वाली सबसे आम समस्या है। ये ज्यादातर प्री मेच्योर बेबीज को प्रभावित करता है। साथ ही जिन बच्चों का वजन काफी कम होता है उन्हें भी यह समस्या हो सकती है। नाभि में सूजन की कॉम्प्लिकेशंस। बच्चों की नाभि में सूजन काफी समस्या है। यह समय के साथ साथ ठीक होती है, हालांकि कुछ मामलों में यह गंभीर भी हो सकती है, जैसे पेट का उमड़ा हुआ टिश्यू कहीं फंस जाना, फंसी हुई आंत के हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाना या कम होना, पेट में दर्द या किसी तरह की डैमेज होना। अगर किसी कारण से आंत पूरी तरह से फट गई तो ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है, ऐसे में मृत्यु भी हो सकती है। नाभि में सूजन एक सामान्य से लेकर गंभीर परिस्थिति भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको नाभि में किसी तरह की परेशानियां नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, ताकि इसकी गंभीरता का समय से पहले इलाज किया जा सके। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।